राष्ट्रपति चुनाव को लेकर एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू पर हुए फैसले का जेडीयू ने स्वागत किया है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि एक आदिवासी समाज के व्यक्ति को उम्मीदवार बनाकर एनडीए ने बहुत बड़ा कदम उठाया है, हम लोग इसके समर्थन में हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने विपक्षी पार्टी से भी मांग की है कि सर्वसम्मति से द्रौपदी मुर्मू को समर्थन किया जाए। पहली बार ऐसा देश में हो रहा है कि किसी महिला को आदिवासी उम्मीदवार बनाया गया है। ये देखिए अच्छा निर्णय है एनडीए का। एक तो महिला है और महिला भी समाज की अंतिम पंक्ति में जो खड़ा व्यक्ति उसमें से महिला आती है, आदिवासी समाज से, तो एनडीए का अच्छा निर्णय है। स्वाभाविक रूप से अच्छा निर्णय है, तो अच्छा निर्णय का तो समर्थन कोई भी करेगा, बाकी लोगों को भी करना चाहिए। ये तो बोल तो रहे हैं भैया कि इस निर्णय का समर्थन तो किसी को भी करना चाहिए, इतना अच्छा निर्णय है। अब इस निर्णय का समर्थन तमाम लोग, तो मेरी राय में तो तमाम विपक्ष के लोगों को भी अपनी उम्मीदवारी पर पुनर्विचार करना चाहिए और सर्वसम्मति से देश का राष्ट्रपति चुना जाए। इसके लिए सब लोगों को, विपक्ष के लोग, सत्ता पक्ष के लोग तो हैं ही, सब लोगों को मिलकर साथ आना चाहिए।